अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये फर्स्ट ईयर के लिए भी और जो है वो बीएस लेवल के लिए, बिकॉज फर्स्ट ईयर में भी इससे इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 2.8 एक्सरसाइज, उससे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और बीएस लेवल के लिए भी ग्रुप थ्योरी को स्टडी करने के लिए ये टॉपिक सबसे बेसिक टॉपिक है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जरा इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज है वो है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर से क्या मतलब है? यूनरी का वर्ड हम कह सकते हैं ये निकला है यूनिटी से, और यूनिटी का मतलब होता है एक, एक हो जाना, ठीक है ना। तो यूनरी ऑपरेटर को मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो बेटा ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल वैल्यू पर अप्लाई हो। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑपरेटर्स जो सिंगल नंबर पर या फिर सिंगल वैल्यू पर अप्लाई होते हैं, उनको हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं जरा इसकी क्या है। एन ऑपरेशन विच कैन अप्लाई ऑन अ सिंगल नंबर, ठीक है ना। ऐसा ऑपरेशन, एक ऑपरेशन जो सिंगल नंबर पर या सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई किया जा सकता है, गिव्स एन अदर नंबर, जब उसको हम सिंगल नंबर पर अप्लाई करेंगे तो आंसर जो मिलेगा, आंसर में एक अदर नंबर मिलेगा, एक दूसरा नंबर मिलेगा, और वो दूसरा नंबर होगा कहां से? ऑफ द सेम और डिफरेंट सिस्टम। इस बात का मतलब क्या है, इसको जरा मैं बात समझाता हूं। ये जो इतना हिस्सा मैंने हाईलाइट किया है इसको जरा बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जहां पर क्या कह रहे हैं, एन ऑपरेशन विच कैन परफॉर्म, विच कैन अप्लाई ऑन अ सिंगल नंबर, गिव्स एन अदर नंबर, इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन, ठीक है, या फिर यूनरी ऑपरेटर। मतलब ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल वैल्यू पर अप्लाई हो और आंसर में एक अगेन कोई वैल्यू मिल जाए, तो ऐसे ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है मैंने, जरा उसकी बात करते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि इस बात का मतलब क्या, सेम और डिफरेंट सिस्टम से क्या मतलब है। देखो बेटा, टू एक नंबर है, एक सिंगल नंबर है, इसका हम करने लगे हैं निगेशन। निगेशन ऑफ टू, टू का निगेशन क्या होगा? जब टू का हम निगेशन लेंगे तो आंसर में यह अगेन एक नंबर मिलेगा और वो नंबर कहलाएगा माइनस टू, ठीक है। टू एक सिंगल नंबर था, उसके ऊपर ऑपरेटर कौन सा अप्लाई हुआ? निगेशन का, माइनस का ऑपरेटर अप्लाई हुआ। तो मतलब सिंगल नंबर पर निगेशन ऑपरेटर अप्लाई हुआ तो आंसर में एन अदर नंबर मिल गया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल होगी, इसका मतलब माइनस एज अ यूनरी ऑपरेटर है। एक और एग्जाम्पल जरा देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। देखो थ्री बेटा एक नंबर है, इस नंबर का हम क्या करने लगे, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो आंसर में मिले क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट थ्री, ठीक है। अब ये वैल्यू कुछ और है, थ्री वैल्यू कुछ और है, जबकि स्क्वायर रूट थ्री वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है ये एक ऑपरेटर है, और ये बेटा किस पर अप्लाई हो रहा है, सिंगल नंबर पर अप्लाई हो रहा है। स्क्वायर रूट एक ऑपरेटर है जो सिंगल नंबर पर अप्लाई हो रहा है और आंसर में भी हमें अदर नंबर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर रूट इज अ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट को एक नंबर पर अप्लाई किया, सिंगल नंबर पर अप्लाई किया, आंसर में अदर नंबर मिल गया, तो दैट्स व्हाई स्क्वायर रूट को हम बोलेंगे कि ये यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं जरा हम। अब देखो टू एक नंबर है, इस टू पर हमें यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करने लगे, ठीक है ना। तो सिंगल नंबर पर हमें ऑपरेटर अप्लाई करने, कौन सा ऑपरेटर है वो? कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का आपको पता है ना, लॉग विद बेस 10, ठीक है ना। कॉमन लॉग ऑफ टू, जब हम टू का कॉमन लॉग लेंगे
ठीक है। तो जब हम टू का कॉमन लॉग लेंगे तो बेटा आंसर में भी एक नंबर मिलेगा, एक सिंगल नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या होगा? 0.301। आंसर में भी एक नंबर मिलेगा, वो क्या मिलेगा? 0.301। ठीक है। तो बेटा टू एक सिंगल नंबर था, उस सिंगल नंबर पर एक ऑपरेटर अप्लाई किया और ऑपरेटर कौन सा है? लॉग। और आंसर में भी हमें एक सिंगल नंबर मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉग है बेटा ये यूनरी ऑपरेटर है, बिकॉज इस सिंगल नंबर पर अप्लाई। ठीक हो गया। एन ऑपरेशन विच कैन अप्लाई ऑन अ सिंगल नंबर, ठीक है, जो सिंगल नंबर पर अप्लाई हो, गिव्स एन अदर नंबर और आंसर में एक अदर नंबर दे दे हो, ठीक है, इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। अच्छा, अब सेम और डिफरेंट सिस्टम से क्या मतलब है ये जरा बेटा समझिएगा। देखो ये थ्री एक नंबर था जो कि ये रैशनल नंबर होता है, आपको पता है 3/1 लिख सकते हैं हम इसको। जब इस सिंगल नंबर पर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो आंसर में ये आ गया। अब ये जो आंसर आ रहा है जिसके ऊपर हमने यूनरी ऑपरेटर अप्लाई किया, तो ये जो आंसर आया क्या ये भी रैशनल नंबर है? नहीं बचे, ऐसा नहीं है। देखो ये जो 3 था, 3 तो एक रैशनल नंबर है। देखिए जब इसके ऊपर स्केयर रूट लिया तो क्या बन गया? स्केयर रूट 3। और ये आपको पता है कि ये स्केयर रूट 3 रैशनल नहीं होता बेटा, ये इरैशनल नंबर होता है। ये क्या होता है? इरैशनल नंबर। मतलब पहले सिस्टम कुछ और था और ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद सिस्टम कुछ और हो गया। पहले सिस्टम 3 था, रैशनल था, ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद सिस्टम क्या हो गया? इरैशनल हो गया। तो मतलब जो आंसर आ रहा है वो सेम सिस्टम में नहीं आ रहा, डिफरेंट सिस्टम में आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर वाला एग्जांपल देखिए। देखो टू बेटा जी एक इंटीजर है, टू एक इंटीजर है, इस पर जब हमने निगेशन अप्लाई किया जो कि यूनरी ऑपरेटर है, तो आंसर में क्या मिला? -2। तो ये जो -2 आंसर में आ रहा है, ये भी तो एक इंटीजर है। मतलब पहले सिस्टम जो था वो इंटीजर का था, यूनरी ऑपरेटर अप्लाई के बाद जो आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर्स में से ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर सिस्टम जो है वो सेम है, लेकिन यहां पर सिस्टम जो है वो डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। तो यही बात यहां पर की जा रही है, गिव्स एन अदर नंबर, आंसर में अदर नंबर देगा और वो नंबर किस चीज का होगा, कहां से होगा? ऑफ द सेम और डिफरेंट सिस्टम। मतलब जो आंसर आएगा वो आंसर सेम सिस्टम में से होगा या फिर डिफरेंट सिस्टम में से होगा। जैसा कि पहले इंटीजर था बाद में इंटीजर, सेम सिस्टम, पहले रैशनल था बाद में रैशनल, डिफरेंट सिस्टम। ठीक है। तो इस बात का बेटा जी ये पता है, सेम और डिफरेंट सिस्टम। होप सो कि आपको यूनरी ऑपरेटर के बारे में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है बाइनरी ऑपरेटर। बड़ा आसान सा, बाइनरी का मतलब होता है 2, 2, जो हम साइंस में यूज करते हैं, कंप्यूटर में भी आप लोग पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मैथ में पढ़ते हो, हर जगह याद मुझसे बाइनरी का वर्ड यूज होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। तो बाइनरी से मुराद क्या है? 2। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेशन जो सिंगल वैल्यू पर अप्लाई। बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे? ऐसे ऑपरेशन जो 2 वैल्यूज पर अप्लाई है। ठीक है, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 2+3। अब ये जो प्लस है ये ऑपरेशन है और ये कितनी बार उसके दरमियान अप्लाई हो रहा है? 2 बार उसके दरमियान अप्लाई हो रहा है। और आंसर में क्या दे रहा है? एक नंबर। 2 वैल्यूज की पेयर ऑफ वैल्यूज, अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का एक पेयर था, उसके दरमियान प्लस अप्लाई किया और आंसर में नंबर मिल गया। ठीक है। तो ये प्लस है, ये कितनी बार उसके दरमियान अप्लाई हो रहा है? 2 बार उसके दरमियान। इसका मतलब प्लस को हम बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो ये जो मल्टीप्लाई है ये कितनी बार उसके दरमियान अप्लाई हो रहा है? ये भी 2 बार उसके दरमियान अप्लाई हो रहा है, तो इसको भी बाइनरी ऑपरेशन बोला जा सकता है। ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन सिंपल सी चीज है, ऐसे ऑपरेशन जो कम से कम 2 बार उसके दरमियान अप्लाई हो उनको बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है। लेकिन अब जरा हम आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन जरा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जो थोड़े से समटाइम कुछ बच्चों के लिए वो डिफिकल्ट भी हो जाता है समझना, और
मैथ की लैंग्वेज बेटा याद रखना, कभी भी एक दफा रीड करने से 100% नहीं समझ आती। बहुत कम रेयर केसेस होते हैं जिसमें एक दफा पढ़ने से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। समटाइम हमें चीजों को बार बार रीड करना पड़ता है और एक एक लफ्ज का कनेक्शन बनाना होता है कि किस वर्ड का किसके साथ ताल्लुक है, ठीक है ना। तो जरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं, उसमें भी हमने यही बात करनी है लेकिन वो जरा थोड़ा सा अच्छे अंदाज में करनी है, जो कि मैथमेटिकल लैंग्वेज है, उसमें मजीद एहतियात। अच्छा, अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। जो हमारे डेली लाइफ की मशीन्स हैं, हर मशीन का आपको पता अलग अलग फंक्शन है, हर मशीन ने अपने अपने तरीके से काम करना होता है। जैसे कैलकुलेटर है उसका अपना अलग फंक्शन है, ये जो फैन है इसका अलग फंक्शन है, ये जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है ये भी एक मशीन है, इसका एक अलग फंक्शन है। मतलब हर मशीन का अलग अलग फंक्शन। क्या हम ये प्लस को और मल्टीप्लाई को मशीन नहीं कह सकते हैं? बिकॉज प्लस का अपना एक फंक्शन होता है, अपना तरीका होता है, मल्टीप्लाई का अपना तरीका होता है। प्लस क्या करता है, उन वैल्यूज को जोड़ देता है, मल्टीप्लाई क्या करता है, उन वैल्यूज को गुना कर देता है, मतलब 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो प्लस एक मशीन है, उसका अपना तरीका कार है, वो एक अलग फंक्शन है। मल्टीप्लाई भी एक मशीन है, ये इसका अपना अलग तरीका कार है, ठीक है। मैं फंक्शन का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, मशीन तो ठीक है समझ आती है, मशीन का हर एक अपना काम है, लेकिन मैं मशीन की बजाय फंक्शन का वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज बेटा मैथमेटिक्स में मशीन को फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो प्लस एक मशीन है बिकॉज इसका एक अपना काम है। मैथमेटिक्स में क्या बोला जाएगा, प्लस एक फंक्शन के तौर पे है जो कि अपना एक किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह मल्टीप्लाई भी एक फंक्शन है जो कि अपना एक स्पेशल एक रोल प्ले कर रहा है, किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जरा बात करते हैं, जरा इसको बेटा ध्यान से समझना। क्या है अ बाइनरी ऑपरेशन? डिनोटेड एज स्टार, ये सिंबल है जिसको हम जनरली बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस सिंबल को पढ़ा कैसे जाता है, रीड एज स्टार या स्टेरिक साइन कुछ भी बोल दिया जाता है। देखो क्या, अ बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड एज स्टार, इसको रीड कैसे पढ़ा जाएगा, रीड एज स्टार या फिर स्टेरिक, ओके है? ये जो मैंने हाईलाइट किया बात, इसको फिलहाल आप करने दो, ये क्या मैं कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब जरा ये जो हाईलाइट किया इसके बगैर ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेना और उस सेट का नाम क्या रखा हुआ हमने, जी। ठीक है, इज अ फंक्शन। दोबारा रीड करिएगा क्या कह रहा है, अ बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है। जैसे मैंने कहा था प्लस एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई फंक्शन है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसका अपना एक किरदार है, अपना एक रोल है। सेम उसी तरह अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी, ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेशन किस पर, किसी सेट जी पर, इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन करेगा क्या, जहां से तरह ध्यान से देखिएगा, विच अप्लाई, जो अप्लाई होगा ऑन अ पेयर ए कोमा बी, ये कोई दो वैल्यूज होंगी ए कोमा बी, ठीक है, पेयर ले लिया वैल्यूज का, पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बी कौन सी दो वैल्यूज दी, 2, 3, ये वैल्यूज का मैंने पेयर लिया, इन वैल्यूज के दरमियान मैंने एक बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई किया और आंसर में क्या मिल गया, आंसर में एक नंबर मिल गया, ठीक है। तो देखो जरा कैसे लिखा जाएगा, अ फंक्शन विच अप्लाई ऑन अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स का पेयर लेना है और उन एलिमेंट्स का नाम क्या है, ए और बी, दो एलिमेंट्स, ठीक है, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स कहां से होंगे, ऑफ सेट जी, सेट जी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक हो गया। Gives a unique element of G. Answer gives मतलब आंसर में देगा क्या, a unique element of G. इस definition का मतलब क्या, जहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखे जरा उसकी बात करते हैं, फिर आपको मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ और फिर इसको समझने की आपकी कोशिश करनी कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। देखो
बाइनरी ऑपरेशन जिसका नाम हमने स्टार रखा है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, जरा वो सुनो। फॉर ऑल ए कोमा बी, हमने एलिमेंट्स का एक पेयर लिया, मतलब दो एलिमेंट्स को भी कहां से लेना, सेट जी में से। दो एलिमेंट्स लेने कहां से लेना, सेट जी से। अभी कौन से वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, फॉर ऑल मतलब जी के तमाम एलिमेंट्स में से कोई से भी आप ए और बी दो एलिमेंट्स उठा लो, ठीक है, ए और बी कोई से भी दो एलिमेंट्स उठा लो। अब उन दोनों एलिमेंट्स पर हमने अप्लाई करना है बाइनरी ऑपरेशन। एक्चुअली में ये जो पूरी इंग्लिश में बात लिखी, इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में उतारने लगा हूं। एक लाइन है, ए और बी बेटा कोई से दो एलिमेंट्स लेने हैं सेट जी में से, कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, फॉर ऑल तमाम एलिमेंट्स में से कोई से भी दो ले लो, ठीक है। अब इन दो पर हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई करना है, तो हम कैसे करना है, देखो बेटा ये दो एलिमेंट्स थे, ये दो एलिमेंट्स हमने लिए थे सेट जी में से, इनके ऊपर हमने अप्लाई करना है बाइनरी ऑपरेशन जिसका हमने नाम क्या रखा है, स्टार। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है, ये क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज। इस तरह से लिखा जाता है कि जी दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, इसके ऊपर हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो, बाइनरी ऑपरेशन क्या, स्टार। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इसको इसी चीज को हम दूसरी शक्ल में भी लिख सकते हैं। वो दूसरी शक्ल क्या है, एलिमेंट ए फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कौन सा ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, स्टार, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। देखो अब हमने क्या करना है, दो एलिमेंट्स जो कि सेट जी से लिए, उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कोई बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई करना है। अब जो दो नंबर्स के दरमियान बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है, तो आंसर में भी एक अदर नंबर मिले हमें, गिव्स अ यूनिक एलिमेंट, आंसर में क्या मिले, एक एलिमेंट मिले, ठीक है, गिव्स अ यूनिक एलिमेंट ऑफ जी, आंसर में क्या मिले, एक एलिमेंट मिले किसका, सेट जी का। लेट्स सपोज दो एलिमेंट्स के दरमियान हमने बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, आंसर में यूनिक एलिमेंट आएगा, लेट्स सपोज वो यूनिक एलिमेंट है सी, वो यूनिक एलिमेंट क्या है, सी, और ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर कहां से होना चाहिए, ये भी बेटा उसी सेट जी में से होना चाहिए। दोबारा सुनिए ना बेटा, हमने दो एलिमेंट्स लिए सेट जी में से, ठीक है, अब उन दो एलिमेंट्स के दरमियान हमने कोई बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई किया, बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो आंसर में नंबर मिला, वो आंसर जो है, वो सिंगल नंबर जो है, वो भी बेटा उसी सेट में से होना चाहिए। अगर आंसर उसी सेट में से आ जाए, तो बेटा ऐसे बाइनरी ऑपरेटर को, ऐसे ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। दोबारा सुनूंगा, एक सेट में से दो एलिमेंट ले, उन एलिमेंट्स के दरमियान ऑपरेटर अप्लाई करें, ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो सिंगल नंबर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, जो सिंगल एलिमेंट मिलेगा, वो एलिमेंट भी अगर उसी सेट में चला जाए, तो ऐसे ऑपरेटर को बेटा जी बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स देखते हैं इसके मुताबिक, ये जो हमने डिफाइन किया, जब एग्जांपल समझ आएंगे देन हम इस वर्डिंग पर दोबारा आएंगे और फिर इसको जरा एक दो बार रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इजी है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। अब जरा हम इसके एग्जांपल्स पर आते हैं, ठीक है, यही बात जो जनरल हमने की, अब यहाँ पर जरा कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या की थी मैंने, कोई से दो नंबर देने हैं किसी सेट में से, कोई नॉन एम्प्टी सेट जिसका नाम हमने यहाँ पे जी रखा था, जी जरूरी थोड़ी जी हो, जी की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास 2.3 दो एलिमेंट्स हैं और दोनों के दोनों हमने लिए नेचुरल नंबर में से, ठीक है, मतलब जी की जगह पर आ गया नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमने इन दोनों एलिमेंट्स पर कोई बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई किया। अब ये स्टेरिक जो है ना, ये जनरल फॉर्म है बाइनरी ऑपरेटर की, इस स्टार की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस स्टार की जगह पर ले रहा हूं प्लस, ठीक है, इस स्टार की जगह पर ले रहा हूं प्लस,
ठीक है, ये हमने एक ऑपरेशन लिया प्लस का। अब देखते हैं क्या ये प्लस नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा था हमने, ए कोमा बी पर बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई करना। तो ये हमारा एलिमेंट्स है 2, 3, इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर क्या अप्लाई करना है, बाइनरी ऑपरेटर, और बाइनरी ऑपरेटर क्या है, प्लस। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या समझा था कि ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, एक ही बात है। वही चीज यहां पर मैं करने लगा हूं कि इसको ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो बेटा, दो नंबर्स हमने लिए नेचुरल नंबर में से। अब उन दो नंबर्स के दरम्यान हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया। ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद, इन दोनों पर ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है, जो सिंगल नंबर आ रहा है आंसर में, क्या ये जो आंसर है ये इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं मौजूद? यकीनन मौजूद है। ऐसे ही है ना, हमने दो नंबर्स उठाए नेचुरल नंबर में से, उन दो नंबर्स के दरमियान अप्लाई किया एक ऑपरेटर। ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर भी उसी सेट में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस, ये जो ऑपरेटर था प्लस, ये प्लस वाला ऑपरेटर क्या कहलाएगा, इस बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर। तो पता क्या चला, ये प्लस वाला जो ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा इस पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरह सिर्फ 2, 3 नहीं, आप नेचुरल नंबर के कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लो, उन दोनों एलिमेंट्स पर प्लस वाला ऑपरेटर अप्लाई करो, आंसर जो मिलेगा वो आंसर अगेन उसी सेट में मौजूद होगा। सो दैट्स व्हाई ये जो प्लस है, इस प्लस को हम बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं ऑन सेट एन। ठीक है, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। हो गया, नेचुरल नंबर पर प्लस का जो ऑपरेटर है क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 3 हमने दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिया नेचुरल नंबर में से, एलिमेंट्स का पेयर ले लिया, दो एलिमेंट्स ले लिया इसमें से नेचुरल नंबर में से। अब इन दोनों एलिमेंट्स पर, पेयर ऑफ एलिमेंट्स पर हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं माइनस, और चेक करेंगे क्या ये माइनस बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा या नहीं नेचुरल नंबर के लिहाज से। तो इन दोनों एलिमेंट्स पर हमने माइनस का एक ऑपरेटर अप्लाई किया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट और इन दोनों के दरमियान ऑपरेटर। अब इन दोनों को माइनस करना है तो आंसर में क्या मिला, -1। क्या ये जो -1 है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? यकीनन नहीं करता। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम आ गई। तो एक हमें एक भी एग्जाम्पल मिल जाए तो गड़बड़ होगी। हमें एक एग्जाम्पल ऐसे मिल गया है कि हमने दो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के सेट में से लिए, उन एलिमेंट्स के दरमियान हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया, माइनस वाला ऑपरेटर अप्लाई किया, माइनस ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर उस सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। ठीक है, नेचुरल नंबर में माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या थी, दो एलिमेंट्स पकड़ो किसी सेट में से, उन एलिमेंट्स के दरमियान अप्लाई करो ऑपरेटर, और जो आंसर आए ऑपरेटर अप्लाई करने पे जो आंसर आए वो आंसर भी उसी सेट में चला जाए, वो आंसर भी उसी सेट में चला जाए। अगर ये वाली बात पूरी होगी देन हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेटर था स्टार, ये ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर, तब हम कहेंगे। ठीक है ना, जब ये वाली कंडीशन, यहां पर वो कंडीशन पूरी हुई, दैट्स व्हाई माइनस जो है वो नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं करेगा। अगर हम यही बात इंटीजर्स के लिए बात करें, मतलब 2 और 3 कोई से दो इंटीजर्स ले लेगा, ठीक है, इन दोनों पर हम अप्लाई करें माइनस ऑपरेटर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इन दोनों के दरमियान अप्लाई किया ऑपरेटर माइनस, जो आंसर है -1 है। क्या ये आंसर भी इंटीजर्स में मौजूद नहीं होता? यकीनन मौजूद होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आ रहा -1, वो आंसर भी उसी सेट में चला गया। दो एलिमेंट्स लिए इंटीजर्स में से, उनके दरमियान अप्लाई किया ऑपरेटर, ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर भी उसी सेट पे चला गया। सो माइनस इज
माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन, माइनस बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। माइनस जो है बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स पर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक हो गया, होप्स हो गई यहां तक आपको चीजें क्लियर हो। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज दो हमने एलिमेंट्स लिए, मतलब एलिमेंट्स का एक पेयर लिया जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से है। ठीक है, अब इन दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट्स पर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया जो कि मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे की बात है, बिकॉज यहां पर मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म बताई थी, तो मतलब इन दोनों के दरमियान हमने वो ऑपरेटर अप्लाई किया मल्टीप्लाई वाला। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 15, और ये 15 सबको पता है कि 15 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहां क्या हुआ, हमने दो एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिए और जो आंसर आया वो भी नेचुरल नंबर में से आ गया, और तो इस वजह से जो ऑपरेटर हमने अप्लाई किया था ये ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3 और 2 दो एलिमेंट्स हमने लिए नेचुरल नंबर से। अब जरा हम ऑपरेटर लेते हैं डिवीजन वाला, तो इन दोनों एलिमेंट्स के अपर ऊपर हमने डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई किया। ठीक है ना, तो जब हमने इन दोनों के दरमियान डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करना है तो इस 3 डिवाइड बाय 2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। जब हमने इनको डिवाइड करा तो आंसर डेसिमल में आएगा 1.5। अब ये जो आंसर है ये आंसर बेटा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ये आंसर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवीजन है ये नेचुरल नंबर पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, बिकॉज जो आंसर आ रहा है वो उसी सेट में से नहीं आ रहा। तो अगर हम इसी नेचुरल नंबर के बजाय रैशनल नंबर के रिस्पेक्ट से चेक करें, पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिया 3 और 2 और ये दोनों के दोनों अपने रैशनल नंबर से लिए। आपको पता है 3 भी रैशनल नंबर होता है, 2 भी रैशनल नंबर। ठीक है, अब इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान हमने बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई किया, आंसर आएगा 3/2। अब ये जो आंसर है 3/2 क्या ये p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर आ रहा है 3/2 ये आंसर भी क्या है, ये आंसर भी एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया, दो एलिमेंट्स रैशनल नंबर से लिए उनको डिवाइड किया तो आंसर आ रहा वो भी रैशनल नंबर आ रहा है। तो पता ये चला कि ये जो डिवीजन वाला ऑपरेटर है ये रैशनल नंबर पर, सेट ऑफ रैशनल नंबर पर बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। डिवीजन बाइनरी ऑपरेटर है, किस लिहाज से है, किस सेट पर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर पर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर नहीं है, ना ही सेट ऑफ इंटीजर्स पर है। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा यही सारी बातें आप देख लो, हमने क्या किया, जब भी हमने बाइनरी ऑपरेटर चेक करना है तो दो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का एक पेयर लिया सेट में से, उनके दरमियान बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई किया और देखा कि आंसर दूसरे सेट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। यही बात हमने यहां पर की थी कि कोई से दो एलिमेंट्स थे सेट में से, उन सेट उन एलिमेंट्स के दरमियान, उन पेयर ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान कोई बाइनरी ऑपरेटर स्टार अप्लाई करें, ये स्टार जो हमने ऑपरेटर अप्लाई किया बेटा कुछ भी हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, लेकिन जो जनरली जो ज्यादातर यूज किया जाता है स्टार को वो प्लस यूज किया जाता है या फिर माइनस यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब ये ऑपरेटर दो एलिमेंट्स के दरमियान अप्लाई करेंगे तो आंसर में भी एक एलिमेंट मिलेगा, अगर वो आंसर वाला एलिमेंट भी उसी सेट में चला जाए जहां से हमने ये दो एलिमेंट्स लिए थे तो फिर हम इस स्टार को बोलेंगे कि स्टार बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक हो गया, ये जो डेफिनेशन है यही हमने हर एक एग्जांपल पर अप्लाई की, और यही डेफिनेशन को बेटा हम यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड्स में डिफाइन किया, हमने इसी चीज को हमने इंग्लिश में डिफाइन किया। सर इसको ध्यान से पढ़ो क्या है, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हर एक ऑपरेटर है, हर एक का अपना अपना काम है, हर एक का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है ना, मतलब हम इन ऑपरेटर्स को फंक्शन भी बोल सकते हैं, यही बात कुछ यहाँ पर किया है। अब बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट G, ठीक है, एक सेट G पर चेक कर रहा है ना, जैसे यहां पर हमने देखा था प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर,
मतलब बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पर चेक करना होता है, वही चेक करने लगे हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन किस पर? ऑन और नॉन एम्प्टी सेट जी, हमने नॉन एम्प्टी सेट जी पर चेक करा। इज अ फंक्शन, आप पता है बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है। मैंने पता नहीं बोला था हर ऑपरेशन का अपने कोई फंक्शन होता है, तो इसको फंक्शन बोल दिया। विच अप्लाई, अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये ऑपरेशन ऑपरेटर क्या करेगा, विच अप्लाई, जो अप्लाई होगा किस पर? ऑन अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जो किस पर अप्लाई होगा, एलिमेंट्स के एक पेयर पर अप्लाई होगा। जैसे यहां पर एलिमेंट्स का एक पेयर लिया, यहां पर भी एक पेयर लिया, यहां पर भी एक पेयर लिया, तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो किस पर अप्लाई होगा, एलिमेंट्स के एक पेयर पर अप्लाई होगा। और वो एलिमेंट्स का पेयर होगा कहां से, वो बेटा किसी सेट में से होगा जिस पर आपने बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है, ठीक है। पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जी, वो एलिमेंट्स किसके होंगे, सेट जी के होंगे। गिव्स अ यूनिक एलिमेंट, मतलब आंसर जो देगा, जैसे ये दो एलिमेंट्स लिए थे जी में से, उन पर ऑपरेटर अप्लाई किया, जो आंसर होगा वो एक सिंगल एलिमेंट होगा, वो भी उसी सेट में से होगा, यही बात कर रहे हैं। गिव्स अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट जी, मतलब जो आंसर होगा वो भी उसी सेट जी का होगा। इस चीज को बोला जाता है बेटा बाइनरी ऑपरेशन। ये जी हमने क्लासिक सिंबल ले लिया, सेट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जी की जगह पर वापस क्या, नेचुरल नंबर है, यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है, यहाँ पर क्या, नेचुरल नंबर है, यहाँ पर क्या, रैशनल नंबर है। तो जी की जगह कोई सा भी सेट हो सकता है, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड प्राइम, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स, कुछ भी, ठीक है। तो ये बेटा यूनिटी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट था।